पंचायती राज चुनाव पूरी तरीके से उलझता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर से पंचायत चुनाव की लॉटरी निकल सकती है, यानी कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। बदलते समीकरण के बीच सरपंचों की जमीन खिसकती नजर आ रही है। पंचायत चुनाव की जंग, क्या फिर से निकाली जाएगी लॉटरी? गोट और वोट में उलझे उम्मीदवार। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव पूरी तरीके से उलझ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर से पंचायत चुनाव की लॉटरी निकल सकती है, यानी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। प्रदेश की 4,588 ग्राम पंचायत, 140 पंचायत समितियां कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रही हैं। अगर लॉटरी निकली तो उम्मीदवारों की तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। पंचायत चुनाव में 3 पदों के उम्मीदवारों की जमीन खिसक सकती है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पद के उम्मीदवार लॉटरी से प्रभावित होंगे। चर्चा इस बात की भी है कि क्या पंचायती राज, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव देरी से हो सकते हैं। इस सब के बीच सरपंच उम्मीदवारों की जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि गोट और वोट दोनों पर सरपंच उम्मीदवारों का पूरा फोकस देखा जा रहा है। गांव में रोजाना हो रही गोट को रोकने पर वोट प्रभावित होंगे और गोट चलती रही तो सरपंच उम्मीदवारों का कर्ज बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में सरपंच उम्मीदवारों की उलझने लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर लॉटरी निकली तो कई सरपंच उम्मीदवारों का इस बार सरपंच बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। निर्वाचन विभाग और पंचायती राज विभाग पूरी तरीके से पंचायत चुनाव में उलझ चुके हैं। पंचायत चुनाव की तस्वीर अभी भी धुंधली सी नजर आ रही है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।